हेलो एवरीवन, अब हम आज नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला है पेडल फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, फिर से सुनिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आप निकाल चुके हैं इंट्रिंसिक के लिए, जो एस और साई में होता है। मैं रोज सुनाता हूँ आपको ये, और आप निकाल चुके हैं कार्टेशियन में जो एक्स और वाई होता है। इसमें रो बराबर डी एस अपॉन डी साई होता है, उसमें रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और नीचे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, उसको हम वाई टू में लिख देते। आज पैडल फॉर्म। अब पैडल फॉर्म क्या होती है? ये तीसरा प्रकार है किसी भी कर्व को डिनोट करने का, जो कि पी में और आर में लिखी होती है, और एक ही रहेगी इसके बाद आर और थीटा, वो होती है आपकी पोलर फॉर्म। सब पता है आपको ये कार्टेशियन, इसे याद करिए। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, इसमें फॉर्मूले भी कई सारे वो आते हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, जो आप अगले चैप्टर्स में ड्राइव करें। ये इंट्रिंसिक फॉर्म, इसे तो याद ही करना पड़ेगा सबको, और ये आपकी पेडल फॉर्म। अब एस और साई क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। कर्व की लेंथ एस में, और कर्व जैसे कोई सा भी एक कर्व ले लीजिए, ऐसे करके ये कर्व चल रहा है, किसी भी पॉइंट से कहीं तक की दूरी एस, और किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा ये टच करता हुआ जो गुजरेगा वो एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाएगा। इतनी सी बात होती है। अब थोड़ा साफ बना दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कर्व बनाया, कर्व पे टेंजेंट ले लीजिए, ये एंगल साई, मान लीजिए आपने यहां से नापना शुरू किया, पी तक की दूरी जो है वो एस होगी। तो बस इस एस में और साई में भी कर्व लिखे जाते हैं, ये पी पॉइंट। तो जो कर्व एस और साई में होंगे वह आपके इंट्रिंसिक कहलाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, और अगर मैं मान लीजिए ये पैराबोला का हिस्सा होता है, ऐसे घूमता हुआ इधर को निकल जाता, तो इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाती, या x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाती पैराबोला। तो ये x और y में होगा तो कार्टेशियन। अभी p के कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा कर दें। r क्या होता है? ओरिजिन से p तक की जो दूरी होती है वो r, और जो एंगल बनाता है वो थीटा। अगर r थीटा में लिखा होता है तो वो पोलर होता है। अब रह गया जी आपका p और r। तो स्मॉल p है वो, अभी जो मैंने ऊपर बताया पैडल वाला, वो स्मॉल p और स्मॉल r। स्मॉल आर तो ठीक है, ओरिजिन से पी पॉइंट तक की दूरी है जो भी लिया, और जो टेंजेंट आया है पी पॉइंट पे, ये टेंजेंट है ओरिजिन से, उसके ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा वो स्मॉल पी होगा, और जो कर्व इस स्मॉल आर और स्मॉल पी में लिखे हुए होते हैं ये पैडल होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आर क्या है। कोई भी पॉइंट जो कर्व पे लूंगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आर है, और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट डालेगा, टेंजेंट पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आएगा वो दूरी स्मॉल पी होती है। अब भैया कॉम्प्लिकेटेड तो हो गई, सोचना तो पड़ेगा। पैडल फॉर्म देखिए, रेडियस ऑफ, ये बहुत सवाल का फिगर बहुत होशियारी से बनाया गया है। देखिए ये जो घूमता हुआ कर्व है, ये वाला जो ये नीचे को ऐसे को, अब मैं बार बार लाइन खींचूंगा तो खराब होता जाएगा। ये जो कर्व ऐसे बनाया गया है, ये जो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ये तो कर्व है। कोई सा भी कुछ भी कह दीजिए, वाई बराबर एफ एक्स, ये उस पर आपने एक पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट पर आपने ये एक टेंजेंट डाल दिया, ये P पॉइंट पे टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा एंगल साई बनाएगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। P पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, आप देखिए ये जो लाइन अब मैं खींच रहा हूं ये P पॉइंट पे होती हुई आगे को बढ़ती चली गई, तो इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, और ये डिस्टेंस स्मॉल r है। ये बनाने की कोशिश करिए स्मॉल r, मैं यहां को भी लिख देता हूं। P पॉइंट से हमेशा जो रेडियस वेक्टर, जो भी P पॉइंट से ओरिजिन को लाइन मिलाती है उसे रेडियस वेक्टर कहते हैं, और रेडियस वेक्टर का एंगल हमेशा थीटा होता है। भैया बस याद करते जाइए, इसी को वेक्टोरियल एंगल कहते हैं, ये रेडियस वेक्टर कहलाती है। पी पॉइंट पे जो ये टेंजेंट बनाया है ये टेंजेंट है। ये सारी बातें आप इसमें याद कर लीजिए कि ये क्या क्या हो रहा है, और रेडियस वेक्टर ये जो है, रेडियस वेक्टर ये और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा फाई होता है, ये भी याद करिए। अगर ये एंगल फाई है जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं ये, तो इधर का एंगल भी जो ग्रीन से पहले ही बना हुआ है ये भी इधर फाई होगा, और अगर ये एंगल साई है जिसमें मैंने टिक लगाया तो इधर वाला एंगल पाई माइनस साई हो। तो आप देखिए, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी यहां पे, आप लिख सकते थे, आप सुनिए, आप खुद लिखिएगा कि लेट वी हैव अ कर्व y बराबर एफ एक्स, देन टेक ए पॉइंट p ब्रैकेट में r कॉमा थीटा ऑन द कर्व, देन द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू p दैट इज op इज r एंड इट इज नोन एज रेडियस वेक्टर, एंड देयर इज अ टेंजेंट एट p व्हिच मेक्स एन एंगल साई विद द x एक्सिस। जो मैंने बोला वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे,
क्या लिखेंगे मैं फिर से बोल रहा। देखिए इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, जो बच्चे शुरू से पढ़ने हैं उन्होंने तो काफी पढ़ डाला। कैसे, अब तो सभी शुरू से पढ़ने हैं, पहले कहा करते थे, अब तो सब वीडियो वन ही से देख रहे हैं, सबने यहां तक पढ़ लिया है, जो भी यहां तक आ गए। क्या लिखेंगे कि लेट वी हैव अ कर्व y बराबर f x, देन टेक अ पॉइंट p, p के आगे r कॉमा थीटा ऑन द कर्व सच ऑन द कर्व पॉइंट p ऑन द कर्व विद द कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा। फिर से सुन लीजिए, थोड़ा ब्रेक हो गया। लेट वी हैव अ कर्व y बराबर f x फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे वी टेक अ पॉइंट p, p के आगे लिखेंगे r कॉमा थीटा ऑन द कर्व, देन वी जॉइन o टू p व्हिच इज नोन एज रेडियस वेक्टर एंड op इज इक्वल टू स्मॉल r। आल्सो tangent at the point P makes an angle psi with the x-axis. इतनी लाइन भाई, एक कर्व लिया, कर्व पे P लिया, P के कोऑर्डिनेट लिया। आप हिंदी में याद करिए ना, हम सोचते हिंदी में है ना, हमें हिंदी में याद रखना पड़ता है, लेकिन लिखेंगे हम इंग्लिश में। क्या हमारे पास एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन है y बराबर f x, उस पर हमने एक P पॉइंट लिया, P के कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा, O से P को मिला दिया, वो रेडियस वेक्टर कहला दिया, और OP डिस्टेंस स्मॉल r। P पॉइंट पे एक tangent दिया, tangent x-axis psi में बनाता है, तो इसमें परेशानी क्या है? और लिख देना आल्सो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट इज फाई। कैसा, आप रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल फाई, देन फ्रॉम द फिगर वी हैव। अब इस फिगर में, असल में इस ट्राइंगल में हो रहा है, यहां पे अगर मैं कैपिटल टी नाम दे दूं, फ्रॉम द फिगर वी हैव, या आप लिखेंगे फ्रॉम द फिगर वी हैव, ब्रैकेट में लिख देना इन ट्राइंगल काय में ओपी टी में। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 पाई होता है, तो एक एंगल तो थीटा, एक एंगल फाई है दिख रहा है आपको, और नीचे एंगल जो ग्रीन में लिखा हुआ है और रेड से मरून कलर में, वो पाई माइनस साई है, इज इक्वल टू तीनों का सम पाई। तो इससे आ गया थीटा बराबर पाई, से पाई कैंसिल हो गया यार, इसमें इतना कर सकते हैं, थीटा प्लस फाई बराबर इतना। तो बस अब इसको आप एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कहना हाँ मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ये नहीं पढ़ना है, नीचे वाला है तो मैंने बताया था, ये करा। अब इसमें डी फाई अपॉन डी एस को जानबूझ के डी फाई अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी एस किया, यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशानी अब बट वी नो ये भी आपको आता है, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई होता है, या वन अपॉन रो जो होता है उसको उल्टा अगर मैं कर दूं तो वो डी साई अपॉन डी एस हो जाता है, ये भी आपको पता है। जस्ट मैंने ठीक, अच्छा साहब ऊपर से ये दो फार्मूले होते हैं, साइन फाई आर डी थीटा अपॉन डी एस और कॉस फाई डी आर अपॉन डी एस। अगला चैप्टर जो हम नॉर्मल और टेंजेंट का करेंगे, मैं उसमें इन फार्मूलों को ड्राइव कराऊंगा आपको। और यहां तो नहीं लिखा, इसी से टेन फाइव क्रिएट होता है, जो आगे आपके बहुत फार्मूलों में यूज में आएगा, चाहे वो इस फार्मूले में नहीं आ रहा है, अभी ये मैं ड्राइव कराऊंगा। लेकिन देखिए ड्राइव कराने के बाद भी अल्टीमेट काम तो इन्हें याद ही रखने का है, याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ड्राइव भी कराऊंगा। साइन फाइव आर डी थीटा अपॉन डी एस और कॉस फाइव डी आर अपॉन डी एस, तो आर डी थीटा अपॉन डी आर बचे, ये टेन फाई की वैल्यू होती है जो आगे बहुत काम में आएगी, इस सवाल में नहीं आ रही फिलहाल। तो अभी तो खाली साइन फाई और कॉस फाई ये रिमेंबर है, अभी तो आप याद कर लीजिए, पेज नंबर इतने पे ये ड्राइव होंगे, लेकिन फुल फायदा नहीं है अभी देखें, बस इक्वेशन टू में इन सारी वैल्यूज को डाल दीजिए। देखिए ये है टू, इधर है डी साई अपॉन डी एस, तो ये लिखा नहीं है, डी साई अपॉन डी एस कितने के बराबर, वन अपॉन रो, तो आपने यहां पर वन अपॉन रो लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्या टर्म है, उसके बाद टर्म है डी थीटा अपॉन डी एस। अब d थीटा अपॉन डी एस यहां से निकाल लीजिए, ये मैंने रिंग बना दिया है, कितना हो जाएगा साइन फाई अपॉन आर, ये मैंने लिख दिया। अच्छा अब यहां पे लास्ट वाले में ये डी आर अपॉन डी एस की मुझे वैल्यू पता है, डी फाई अपॉन डी आर, तो ऐसे ही रहेगा, तो देखिए डी फाई अपॉन डी आर ऐसे रहा, और डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू यहां से पकड़ के ये कॉस फाई यहां पे सब्स्टिट्यूट कर, जिसको ये याद है फॉर्मूला वो बना लेगा, वन अपॉन आर इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन आर जब आप कॉमन लेंगे यहां से तो बाहर आ जाएगा और यहां पे आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में जो इतनी चीजें हैं वो क्या है, वो डी अपॉन डी आर आर साइन फाई का डिफरेंशिएशन। आपको कैसे कहना, ऐसे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, आर का वन हो जाएगा, क्या बचेगा साइन फाई, फिर आर ऐसे ही रखेंगे, साइन फाई का डिफरेंशिएशन कॉस फाई और आगे फाई का डी फाई अपॉन डी आर, तो ये वन अपॉन आर डी अपॉन डी आर आर साइन फाई आ गया। आर साइन फाई पी होता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये P, तो इसलिए 1 अपॉन रो बराबर 1 अपॉन आर डी पी अपॉन डी आर, तो रो बराबर आर डी आर ओवर डी। अब लड़ाई फिर से लड़िए, आप मुझसे कहिए क्लासरूम में, मैं बच्चों से पूछता तो बताइए, तो बच्चे लोग ये मैंने P बोल दिया, आप लोग क्यों नहीं पूछते कि P कैसे है। असल में मैं बताता हूं, ये वही कर्व है जो मेन आर्टिकल में शुरू हुआ था, ये वही कर्व वहां के बनाया गया,
ये पी पॉइंट पे टेंजेंट, ये टेंजेंट है, मैं लिख देता हूं। देखिए जितना अच्छे से आर्टिकल आ जाएगा उतना ही आपको फायदा रहेगा। दूसरे कलर में लिख देता हूं, देखिए सर टेंजेंट, टेंजेंट कहां है, कहिए ये टेंजेंट ही टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये पी पॉइंट से तो टेंजेंट आ रहा है। ये क्या चीज है, कहिए ये रेडियस वेक्टर है, अभी आपको मेन आर्टिकल में पीछे बताया था रेडियस वेक्टर। ये एंगल थीटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेक्टोरियल एंगल, वहां पे भी लिखवाया था थीटा जो है इसका नाम है वेक्टोरियल एंगल, और ये रेडियस वेक्टर है जो ओरिजिन और पी पॉइंट को मिलाते हैं। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वही स्मॉल पी कहलाता है। बस भैया ये तो याद ही रखना पड़ेगा, कई दिन से रोज बोल रहा हूं, अगर आपने कर्वेचर के सारे वीडियो ध्यान से, पैडल फॉर्म तो होती ही स्मॉल पी और आर में है, तो स्मॉल आर जो रेडियस फैक्टर है उसकी दूरी होती है ओरिजिन और पी के बीच की, और स्मॉल पी जो होता है पी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट डालते हैं ओरिजिन से उस पर डाले हुए परपेंडिकुलर का ये होता है डिस्टेंस स्मॉल पी। अब इस ट्राइंगल में देखिए ओ पी एन ट्राइंगल में इधर नजर आ रहा है, लाइए मैं इसको दोबारा बना दूं। अरे यार थोड़ा अच्छा नहीं बना, बनाने को तो मैं बहुत बढ़िया बना सकता हूं लेकिन वही बात है ना यार, टाइम लगता है। बताइए कितना टाइम लग रहा है सिर्फ एक ट्राइंगल बनाने। That's all. देखिए ये है 90, तो आपने यहां पे लगाया 90, जो ये N पॉइंट पे था 90, तो ये N मैंने बना दिया। एक जगह एंगल phi लिखा है तो आप यहां पे phi लिख दीजिए, वो कहां लिखा हुआ phi, कहिए P पॉइंट पे, तो ये P पॉइंट बना दिया, एक ही रह गया भाई साहब O, बस ये O। तो इन द ट्राइंगल इसमें, अब इसमें जो दूरियां हैं वो आप लिख लीजिए, ज्यादा दूरी नहीं पता आपको, O और P का ही डिस्टेंस पता है, स्मॉल r है, O और N की दूरी पता है आपको, स्मॉल p है ये। और इस ट्राइंगल को घुमा के ऐसे बना दिया, या मैं इसको थोड़ा सा आपसे कहता यहीं पे देखिए भाई बच्चे लोग, ये N, ये N लिख दिया, ये वाला O, ये यहाँ O लिख दिया, ये 90 है, ये वाला phi मैंने यहाँ पे phi लिख दिया, तो एक ही तो बात है, phi किस पे बना है, p पे, ये N पे है, वो O पे है, और O से N तक की दूरी ही स्मॉल p है, और साथ P से और O तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r, PN का मुझे पता नहीं, यहाँ पे भी नहीं, वो एक ये वाला और ये दोनों सेम तो है, इसमें क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। साइन phi का ट्राइंगल से निकाल लीजिए कितना होगा, परपेंडिकुलर होता है लंब, वो कितना है P, बटे में क्या होता है हाइपोटेनियस कर्ण r, तो इसलिए साइन phi बराबर P अपॉन r, तो आप क्या कह सकते हैं P बराबर r साइन phi, इसकी कहीं जाने की जरूरत नहीं, सामने हर चीज लिखी, गौर से सुनिए और देखिए इस ट्राइंगल में कहानी ये बनाई गई। और डायरेक्ट अगर मैं ये ना लिखता, मैं कलर बदल देता हूं, ना मैं ये लिखता ना मैं ये लिखता, मैं तो बच्चों से कहता यहीं से निकालो भाई, तो कैसे निकालते, तो एक बात याद रखिएगा, जिस ट्राइंगल की साइड पे, अब इसमें ये नहीं पता चलता ना कि आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, मतलब बेस कौन सी, परपेंडिकुलर कौन सा, तो याद रखिएगा जिस साइड पे दोनों एंगल टच करते हैं, छोटा वाला भी ये जिसपे मैंने ग्रीन कलर से, और 90 भी, वो हमेशा बेस होती है ट्राइंगल, वो आधार है, देखो ये आधार ही तो है बेस बस, और जिस पे परपेंडिकुलर के साथ, अब परपेंडिकुलर की एक साइड तो बेस होगी, इस पर छोटा एंगल बनेगा, तो दूसरी साइड हमेशा वही 90 वाले पे दूसरी साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये आपका परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला, ये मैंने बना, जो एक रह गया भाई वो हाइपोटेनस। डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है, कैसी सोचिए, पढ़ने वाले बच्चे में सब आसान। तो इस प्रकार रो इज इक्वल टू आर डी आर ओवर डी पी हो गया। 14 मिनट लग गए मुझे इस एक फॉर्मूले को ड्राइव करने में, जबकि मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, सब मेरा पहले का लिखा होता, क्लासरूम में मैं करता तो इसे आधा घंटा लग जाता है, उससे भी ज्यादा। चलिए खैर, अभी क्लासरूम की भी बहुत जल्दी बारी आने वाली है, फिलहाल आप इसको ऐसे पढ़ेंगे और इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, रो बराबर आर टी आर ओवर डीपी। चलिए अब दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पैडल फॉर्म। अब एक्सरसाइज 2 में आ जाइए आप फटाफट, हर किताब में दूसरी एक्सरसाइज में पहला सवाल यही होगा, पी स्क्वायर बराबर ए आर, क्या था इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। आप एग्जाम में आएगा तो पहले तो दिमाग में दौड़ाएंगे ना यार कि कौन सा फॉर्मूला ड्राइव, कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं, कहिए ये पी में और आर में है, तो ये क्या है, कहिए ये पैडल फॉर्म में है,
अभी पी में और मतलब आर में और थीटा में होता तो पोलर में होता, एक्स और वाई में होता तो कार्टेशियन में होता, एस और साई में होता तो इंट्रिंसिक में होता। कितनी बार मैंने इन वर्ड्स को बोला है, आप ही के लिए बोला है, याद करिए। तो ये पी और आर में, खैर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें पी के रेस्पेक्ट, तो टू पी हो जाएगा या सामने डी आर ओवर डी पी, तो डी आर ओवर डी पी निकाल दिया। कोई कह मैं तो नहीं कर रहा, पी में आर के करूंगा तो भी इतना ही आएगा, तो सवाल सेम ही बनता है। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे पी स्क्वायर का, तो 2p इंटू डी पी अपॉन डी आर, और सामने हो जाएगा a, तो r के रेस्पेक्ट में ना तो r का वन हो गया। इसको भी अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, अगर आप p स्क्वायर का p के रेस्पेक्ट में करते हैं तो चुपचाप 2p, लेकिन जब p स्क्वायर का आप r के रेस्पेक्ट में करते हैं तो चुपचाप नहीं होगा, क्या होगा, d अपॉन डी पी, p का तो भैया p के रेस्पेक्ट में ही होगा, पी स्क्वायर और आगे लिखना पड़ेगा dp अपॉन डी आर। तो ये कितना आ जाएगा, ये 2p इंटू डी पी अपॉन डी आर, ये आया ना 2p इंटू डी। अरे जैसे y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कोई सोचता भी नहीं, 2y dy ओवर dx लिख लेते हैं, लेकिन सोचिए ना ये ऐसे नहीं हुआ होगा, ये d अपॉन dy, y का तो y में ही होगा और आगे dy ओवर dx लिखना पड़ेगा क्योंकि y से y कैंसिल होकर चीज वहीं पहुंचनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन ये 2y और ये dy ओवर dx, अरे सोचो यार, जब तक सोचेंगे नहीं कैसे काम बनेंगे। तो इसलिए खैर कैसे ही कर लीजिए, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है रो बराबर आर डी आर ओवर डी पी, ये लिखा हुआ है डी आर ओवर डी पी, वो यहां पे डाल दीजिए, ये आंसर आ गया। या अगर आपने ये निकाला होता ये रेड कलर वाला, तो डी आर ओवर डी पी को वन अपॉन डी पी अपॉन डी आर लिख देते और डी पी अपॉन डी आर की वैल्यू यहां पर डाल देते, ये आपने डाल दी वैल्यू, क्या आया ये घुमा के आर इंटू टू पी अपॉन ए आता। अब आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये दो आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी पी स्क्वायर अपॉन ए, ये पी में आंसर आ गया। जब ये आंसर पी आर में किसी में भी छोड़ सकते हैं, प्रूफ आए तो ध्यान रखना होता है कि उसी जैसा, वरना आप कैसे भी छोड़ देंगे पी में या आर में कर। फिलहाल ये आंसर हमने पी में दिया, जैसा बुक में लिखा था वो कर दिया, आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अगला क्वेश्चन ये है, बस इसको पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4ap, सामने 3r स्क्वायर dr ओवर dp, dr ओवर dp निकाला, फॉर्मूले में रखा, ये रेड वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज गिवन बाय, ये dr ओवर dp की वैल्यू ऊपर से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे डाल दें, वो सॉरी सॉरी p की वैल्यू 4a अपॉन, ये तो कट गया ना, इतना रह गया r की वैल्यू यहां पे इतने के बराबर, आप p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन नंबर 1 से और ये इतने के बराबर है, क्योंकि प्रूफ ऐसे दिया है अंडर रूट 2ar, तो हम उसको ऐसे कर पी हटा दिया। इस बार कोई याद नहीं करना है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, किसी में भी छोड़ा जा सकता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, तो आपने डिफरेंशिएट किया पी के रेस्पेक्ट में कर दें आर के कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों भी करिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किए, तो रो बराबर आर डी आर ओवर डी पी हुआ, तो ये इतने के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3ar। अब जो है यहां से मेथड बदल जाएंगे, आज हम इस वहां पे नहीं जाएंगे, आज आप इतना ही रखिए, वीडियो पहले ही काफी लंबा हो गया है, आप इतना तैयार करिए, ओके।